Janab, Janab, welcome to yet another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan. आज हमारे पास कौन से गेस्ट आ रहे हैं ये तो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा, लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, वो ये जेम्स कैमरून का नाम तो आपने सुना होगा. ही इज अ बिग डायरेक्टर. एवटार बनाई, टाइटैनिक उन्होंने बनाई, टर्मिनेटर मेरी बचपन की फेवरेट मूवी टर्मिनेटर. और मुझे ये पता चला कि उन्होंने टर्मिनेटर का स्क्रिप्ट कितने में बेचा, इतने नहीं, सिर्फ और सिर्फ $1 में टर्मिनेटर का स्क्रिप्ट बेचा था उन्होंने, लेकिन इस शर्त पे कि फिल्म के डायरेक्टर वो होंगे. तो जनाब, जिंदगी में कभी कभी इंसान को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आपको कहां से कहां पहुंचा सकते हैं. तो हमारे यहां पे आज जो दो गेस्ट हैं ये भी जिंदगी में कहां से कहां पहुंचे, आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे, लेकिन इनको मिलवाऊंगा आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद. मेरे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Welcome to Time Out with Ehsan Khan. और हमारा शो होने वाला है सुपर एक्साइटिंग एंड वेरी हाइपर एंड वेरी विटी एंड ऑल्सो वेरी फनी, क्योंकि ये दो लोग जो हैं ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, जबरदस्त सुपर डुपर टैलेंटेड पीपल एंड दे डूइंग वंडर्स. थिएटर करा लो इनसे, फिल्म करा लो, टीवी करा लो, शोज करा लो. इनफैक्ट इनका शो आप लोग बड़ा पसंद करते हैं, ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो इनके साथ आता है मजा और मस्ती. प्लीज वेलकम आदि एंड फैजान. मुझे बैठने में थोड़ी दिक्कत है, आप बैठ जाइए. अच्छा, बैठने की आदत नहीं है, हम डिटेल नहीं पूछेंगे आपसे, आप बस ना पूछें. अच्छा, एक तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू फॉर हैविंग अस. और जो आते एक एक्साइटमेंट और ये जो एनर्जी आई है, इस एनर्जी की इंस्पिरेशन क्या है बताओ आदि. इसकी इंस्पिरेशन ये है क्योंकि हमने खुद शो किया हुआ है कभी, तो हमारे सामने जब मरे हुए मेहमान आते थे लाशों की तरह, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि हमने ये नहीं करना, बड़े हो हुआ ना, बिल्कुल बड़े होके ये नहीं करना. हमने कब्रिस्तान में शो किए. हाँ हाँ, बहुत बुरे बुरे शोज हमने हैंडल किए. हाँ. और मैं आपके सारे शोज देखता हूँ तो अक्सर मैंने आपको मुश्किलात में देखा है. हम एक दूसरे के चेहरे पे देख लेते हैं कि यार क्या करें अब. तो हम इस बात को समझते हैं कि कितना जरूरी है. आपने सोचा कि आज नहीं, हम वो नहीं बनाएंगे जो अक्सर मेहमान वाली पैदा नहीं. क्या चक्कर है, लोग आगे डिसेंट क्यों बन जाते हैं अचानक से? मेरे ख्याल से उनको इज्जत की आदत नहीं होती ना, एकदम रियलाइज करते हैं कि ओ इन्होंने मुझे बुलाया है तो एहसन खान, एहसन खान होस्ट कर रहा है भाई, मैं उसका गेस्ट हूं तो यू नो. तो मैं कुछ होऊंगा तो एहसन खान ने गेस्ट बुलाया है ना. ये हालांकि उसको ये नहीं पता कोई और आ नहीं रहा था इसलिए उसको बुलाया था. अच्छी बात है, ये अपने लिए तो नहीं सोचा तुम दोनों? बिल्कुल नहीं, हमारे स्पेशल मेहमान हो यार. थैंक यू. अच्छा मुझे ये बताओ, इतना जबरदस्त काम हो रहा है, इतना मजा का काम हो रहा है, ये जो दोनों एक साथ, क्योंकि यू गाइज स्टार्टेड सेपरेटली एंड ऑल बट यू गाइज आर नाउ टुगेदर. और अक्सर नाम जैसे मैंने लिया नाम एक साथ दोनों का, इस शो में बुलाया एक दोनों को, शो चल रहा है, तो वो दोनों की दोस्ती भी ऐसे असल जिंदगी में? हमारी दोस्ती से ज्यादा हम दोनों तो अब भाई बन चुके हैं. मेरे ख्याल से हमारे घर के दरवाजे और हमारा मिलना जुलना फैमिली का आपस में इस तरह है कि अब हम दोस्त, मैं इसको दोस्त नहीं कंसीडर करता. हाँ, मतलब इस आदि का मेरे घर में इस तरह आना जाना है कि मैं नहीं भी हूँ तो आदि घर पे होता है, मैं जाता हूँ तो अम्मी के साथ बैठा होता है आराम से, जैसे बहुत अपने लोग अपना भाई. एब्सोल्युटली एनी टाइम. अच्छा मुझे ये बताओ, दोनों में से ज्यादा फैजान मुझे बताओ कि इसकी बातों में बहुत हंसी आती ज्यादा या इसकी बातों में हंसी आती? नहीं नहीं, who's more, who's funnier than the other? मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहने वाला हूँ, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीवन एज फनियर एज दिस गाय. आर यू सीरियस? आई एम सीरियस. और मुझे क्यों नहीं हंसी आती ज्यादा? और मजे की बात नहीं आती, मजाक कर. और ऐसा भाई नहीं आती, जो मजे की बात है वो ये कि नॉट ओनली ऑन कैमरा अदरवाइज एज वेल, रियली Around the clock. That's amazing. We have to have a sitting then. असल में बात ये है कि आप दोनों की हुई है शादियाँ. हाँ. आप लोग जरा. No marriage jokes. ये देखो यार. No marriage jokes. No marriage jokes. No marriage jokes. नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप लोग की शादियों की आप लोग की ज़िंदगी में ठहराव आ गया है.
मैं यहाँ वहां जाके ठहर रहा हूँ खुद तो फर्क है। अब बोले फनी है, फनी या नहीं है? है, है। असल कभी लोगों ने या किसी ने, किसी आर्टिस्ट ने, किसी एक्टर ने या किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा होगा रुक जाओ भाई बहुत ज्यादा ओवर हो रहे हो, नहीं करो। हम दोनों को एक बार शो से निकाल दिया था। हाँ, उन्होंने कहा ये दोनों लड़के क्या हैं यार, इनको भेजे, मेरे बच्चे से बात करें, उसे गिटार बजवाएं, और हम शो छोड़ के आ गए थे। कसम से, मतलब शो से निकाल दिया। बिल्कुल, दानिश ख्वाजा हमारे बॉस होते थे उस वक्त। और लेकिन ऐसी बात नहीं है, उन्होंने एक स्टैंड लिया, उन्होंने स्टैंड लिया, गले लगा लिया। नहीं, उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा गलत बात है, इनको बाहर निकाल दो। तो हम बाहर चले गए। अच्छा मुझे बताओ दोनों बंदे क्या थे इस फील्ड में, यानी क्या सोच के क्यों आए, इंस्पिरेशन क्या थी? Yes. मैं तो एक्टिंग करने आया था, मुझे एक्टिंग करना, मुझे ये जो कैमरास लगे हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बस एक्टिंग करने आया था और कुछ जिंदगी बस एक्टिंग करूंगा, बस एक्टिंग। तो ये कॉमेडी की स्ट्रीक बाद में जागी या पता था कि मैं कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकता हूँ? नहीं नहीं, असल में हुआ ये था कि मैंने थिएटर स्टार्ट किया था सीरियस एक्टिंग से, कॉमेडी में करने आया एक इमरजेंसी में, यासिर हुसैन का एक थिएटर प्ले था, वो कराची नहीं आ पाया था, तो मैंने उसकी जगह किया और वहां से फिर कॉमेडी। क्या नाम था प्ले का? उस प्ले का नाम था भूल गया, अनबीटेबल्स। उसमें हसन रिजवी, जरमीना ब्रेखना, ये सब लोगों ने कोरियोग्राफी की थी, डांस वांस वो वाला, बिल्कुल वो डांस प्ले, ओके म्यूजिकल शॉट था ये, तो बस वहां से। अच्छा, मजे की बात ये है कि ही स्टिल डजंट कंसीडर हिमसेल्फ एज अ कॉमेडियन, बट ही इज फेमस मोर एज अ कॉमेडियन, पीपल लव हिज, पीपल लाइक हिज, पीपल लव हिज द वे ही इज फनी, और ही कम्स अक्रॉस एज अ कॉमेडियन आल्सो ना, अक्सर ये जुकते लगाना, बातें करना, शुगल करना, मजाक करना, ऐसा है। सीरियस मैं इसको कंसीडर नहीं कर सकता कभी, मुझे अगर लेकिन सीरियस एक्टिंग कर रहा मैं, इसकी एक सीरियस साइड है जो सिर्फ मैंने और कुछ ही लोगों ने देखी हुई है, और वो एक्सट्रीम सीरियस होगी, बहुत ज्यादा सीरियस है, मतलब हॉस्पिटल ले जाने वाली। नहीं यार, बिल्कुल क्या करता है, गुस्से में आता है? नहीं, वो सैड हो जाता है बिल्कुल ना यार, बहुत ज्यादा। मैं आपके से इतनी डिप्रेसिंग बातें कर सकता हूँ कि ये शो जो है ना मॉर्निंग शो में तब्दील हो जाएगा। डायरेक्शन पढ़ी है और मैंने अम्मा से कहा कि मुझे डायरेक्शन करनी है, तो उन्होंने मुझे स्कूल भेज दिया कि जाके पढ़ो। मैंने 4 साल जावेस में पढ़ा, जिस पे लोग मुझ पे हंसते थे कि तुम्हारी अम्मी इतनी बड़ी एक्टर है और तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ रही है, बट आई एम थैंकफुल टू हर राइट नाउ बिकॉज उनकी वजह से मुझे वो चीजें सीखने को मिली जो मुझे पता है। तो एक्टिंग करने का कोई इरादा नहीं था, एक थिएटर प्ले में जाके ऑडिशन दिया दोस्त के कहने पे, उसने कहा यार चलते हैं, मैंने कहा हमें कौन लेगा, उसने कहा चलते हैं, वो सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं सिलेक्ट हो गया, एंड फ्रॉम सो ऑन सो फोर्थ मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अगर मैं पूछूं क्लेम टू फेम क्या है, कौन सी चीजें से अचानक से नाम बन गया? टीवी पे सलाम जिंदगी, ओके, टीवी पे दैट वाज फैसल्स शो ना, एब्सोल्युटली दैट मॉर्निंग शो हमने, दैट्स लाइक योर क्लेम, एंड योर्स सेम सेम एब्सोल्युटली, ओके वंडरफुल। यार एक्टिंग में क्या, फिल्म करना, टेलीविजन ड्रामा करना, सिटकॉम करना, कॉमेडी करना, सीरियस काम करना, क्या पसंद है, या ये होस्टिंग पसंद है? सब कुछ बहुत पसंद है, लेकिन हर चीज में, क्योंकि आपको अपने हैट्स चेंज करने पड़ते हैं। आई लाइक द प्रोसेस ऑफ फिल्म बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट लेट्स यू ग्रो एज एन एक्टर, तो मुझे अच्छा लगता है। बड़ी स्क्रीन पे खुद को देख के जरा मजा भी आता है ना कि यार क्या लग रहे हैं, यू नो दैट बेटर देन यू, सो या फिल्म वाला जो चस्का है वो मजेदार है, वो एक उसका अलग है। हाँ जी, आपको क्या पसंद है ज्यादा करना? मुझे इम्प्रोव शोज पसंद है। क्या इम्प्रोव शोज करते थे हम, शॉर्ट फॉर्म इम्प्रोव पाकिस्तान में हम करते थे, बट वो तो बहुत कम होता है यहाँ पे, मतलब टेलीविजन बहुत कम होता है, लेकिन टीवी पे आके मुझे होस्टिंग में ज्यादा मजा आता है, होस्टिंग हाँ, क्योंकि बातें करने में, यानी बातों का, क्योंकि सिटकॉम का पता क्यों नहीं मजा आता, मैं आपको बताता हूँ। सिटकॉम का इसलिए नहीं मजा आता कि चैनल और प्रोडक्शन हाउस कह देता कि घर से बाहर नहीं निकलना क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा, और उसके बाद हर एपिसोड के आखिर में होता है बस, और वो फ्रीज, वो फ्रीज हो जाता है, तो मजा नहीं आता, ऐसे होता है। अच्छा, एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूँ दोनों के बारे में, वो ये कि फैमिली के साथ क्या, फैमिली में कौन कौन है, क्या रिलेशनशिप है, who's very very close to you in your life? मेरे घर में तो मेरा दो बड़े भाई हैं, एक दोनों की शादी हुई है, मेरी अम्मी है, और अम्मी के अलावा माशाल्लाह कोई ज्यादा मुंह नहीं लगाता। तो फिर मेरी अम्मा मेरे सबसे करीब है, और फैजान की पूरी जो फैमिली है, अच्छा वो आपकी पूरी फैमिली, वो मेरे बहुत करीब है। How sweet is that? And who are you very close to in your family? पहले जो इसने लास्ट बात बोली, इस पे हम लोगों को बहुत अफसोस है कि ये क्यों हो गया? We regret that, लेकिन हो गया, हो सकता, क्या कर सकते हैं, लेकिन मेरा घर बड़ा क्लोजली निटेड है माशाल्लाह, सारे भाई साथ रहते हैं, बहनें साथ रहती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। फैजान का तो वो वाला खानदान है कि अगर भड्डा हो जाए ना तो पूरा खानदान ही मारने आ जाता है, लड़के बुलाने के लिए, ये सबको पता है। अच्छा, कौन सा ऐसा गेस्ट जिंदगी में कभी मिला हो जिसके दिल किया हो कि यार
हम लोग बस उठ के चले जाएं यहाँ से. नहीं नहीं ऐसा ना करें यार, ये नाम ले देगा ना. अच्छा मैं ले दूं लेकिन मुझे नाम याद नहीं. बुरी बात है, बुरी बात. वो एक मॉडल आई थी, था ऐसा. काफी लोग काफी थे. अच्छा काफी. हाँ हाँ काफी. काफी में से किसी का नाम तो याद होगा. बोलो एक नाम. नहीं नाम का मसला. फौरन हो गया ना सीरियस. नहीं नहीं अच्छी बात है कि उसको नाम याद नहीं रहते. मैं आपको नाम बता देता वाकई में, लेकिन नहीं, मैं शक्लें दिखाता हूँ, मुझे बताओ. शक्लें दिखाएं आप. आपने एल्बम बनाया हुआ है. अब बस दुआ करें मैं उनके बारे में कुछ और ही ना बता दूं. अजीब सा निकल आएगा. नहीं मैं ज्यादा नहीं बता रहा. इतारी ओला ठीक है. अच्छा फिर नाम, चलो नाम नहीं बताओ. वैसे बताओ क्या हुआ था. वो हुआ ये था कि वो आई थी और वो हर बार फैसल भाई करते थे कि अच्छा मुझे ये बताइए कि जब यूं हुआ तो ला 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 ला, तो कहती थी नहीं. ये उनका elaborated जवाब था. ये हाँ, अब सोचोगे क्या सवाल करे भाई. बिल्कुल. तो फिर हम आपस में बात करने लगे थे. ढाई घंटे का शो था, हमने आपस में बातें की, उनको भेज दिया. और इसी के बरक्स हमारे पास ऐसे गेस्ट आए कि हम कहते हैं यार शो खत्म हो गया. वाकई ये तो भी और होना चाहिए. इंस्टेंटली गुजर गया टाइम. मुझे आज तक याद है कवि सर आए थे हमारे शो पे. ओ कवि साहब क्या बात. और मैं आपको बता नहीं सकता उन्होंने. कवि साहब इज अ लेजेंड. एब्सोल्युटली अमेजिंग. अच्छा कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस आई हो जो गुस्से में आ गया कि भाई तुम बहुत ओवर हो रहे हो या तुम बहुत ओवर हो रहे हो. मारिया वास्ती जी गुस्सा कर गई थी. अच्छा क्यों. बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल ही नए थे. अभी भी हम नए, लेकिन उस वक्त बिल्कुल ही अंडे से निकले थे. हालांकि मारिया तो इतनी विटी है, उसका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इज अमेजिंग. शी इज अ ब्रिलियंट. उस दिन वो खाली विटी चल रही थी, सेंस ऑफ ह्यूमर तो नहीं चल रहा. मैं मारिया से भी मैं अभी भी मारिया से पूछते. नहीं नहीं फिर उसके बाद तो मसला हल हो गया, लेकिन वो उस दिन गुस्सा कर गई थी शो पे. मारिया गुस्सा कैसे कर सकती. वो हुआ ये था, मैंने उनसे मैं बच्चा बहुत ही हरकत ऐसी की होगी. नहीं नहीं ऐसी कोई हरकत नहीं ऑफेंड होने वाली. अच्छा ये कैरेक्टर कर रहा था बच्चे का, तो उसके पास ये लेवरेज था कि चीजें भूल जाता है, तो ये उनका नाम याद नहीं कर पा रहा था. एंड शी गॉट ऑफेंडेड. ये क्या, मैं उनसे पूछ रहा था कि आपका क्या नाम है, तो वो इस पे दब गई कि तुम मेरा नाम भी नहीं पता तुम्हें. मैं इतनी पुरानी है कि सही है कोई बात नहीं इतनी पुरानी. लेकिन वो लड़ाई सिर्फ एक ब्रेक तक की थी, फिर वो सेटल हो गई. फिर हम उनके शो पे भी गए थे, हमने 35-35 हजार रुपया लिया था. बिल्कुल अच्छा अच्छा हो गया उसके बाद. गुड रिलेशनशिप. शी इज द बेस्ट. ये वाली बातें नहीं बताते यार. इतने कम बता दिए ना लोग, तो ज्यादा बताते ना सब एक्टर्स. वो नंबर वन चैनल के बाद बजट ज्यादा नहीं होता. अलग बात है कि दूसरी दफा रिकॉर्ड हो रहा है. दोस्ती यारी में हम फंस नहीं रहे, मसला ये दोस्ती यारी की वजह से काम मिल रहा है. अच्छा क्या लगता है इस फील्ड में, अब जिस फील्ड में हम लोग हैं माशाल्लाह यू आर डूइंग वेल. तो तभी तो इधर हैं इस वक्त मेरे साथ बातें कर रहे हैं. सो व्हाट डू यू फील के फ्यूचर क्या है और क्या करना है आगे जाके. मुझे सच्ची बात है मैं कोई इतनी प्लानिंग नहीं करता जिंदगी के बारे में. बगैर सोचे समझे सब काम, बस जो काम आ रहा है अगर वो इन कैमरे के आगे तो मैं जाके कर लूंगा. अरे जैसा भी आएगा कर लूंगा. आई डोंट केयर कि बड़ा चैनल छोटा चैनल, बड़ा प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट, जो आएगा मेरे पास डेट है आप मुझसे काम करा ले, मैं एंजॉय करूंगा. यही काम है जो कर रहे हो बस. बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ यही है और कुछ आता ही नहीं है. और कोई उधार भी नहीं दे रहा. गाड़ी के लिए लोन अप्लाई किया तो वो भी रह गया. अच्छा व्हाट अबाउट यू, क्या अपने आप को क्या देखते हो, कहां देखते हो. आई वुड लाइक टू डायरेक्ट. जो पढ़ी हुई एक है चीज वो मैं चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंट की जाए, फायदा भी उठाए. एब्सोल्युटली. तो वो मैं जब एज एन एक्टर भी काम कर रहा होता हूँ ना, तो मजा आ रहा होता है कि लेंस कौन सा लगा हुआ है, एडिट कैसे होगा, ये सारी चीजें. तो वो आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट दैट नाउ. ओके फैजान की तो शादी हो चुकी है माशाल्लाह. माशाल्लाह आपके क्या प्लान्स हैं भाई. मेरी तकरीबन हो जाती है, फिर फंक्शन से पहले कुछ मसला हो जाता है. इस आदमी की वजह से फंक्शन से पहले बोला है कुछ और नहीं बोला. नहीं आपको फंक्शन से पहले ही होनी चाहिए. आपको नहीं पता वो फंक्शन किस चीज को कहता है. नहीं नहीं मैं शादी कर लूंगा, अब मैं कर लूंगा. इससे सारे करीबी दोस्त नाराज हैं क्योंकि तीन चार चार सूट बन चुके हैं और फिर वो कैंसिल हो जाता है. कल अल्लाह वो ये क्या चक्कर है यार. बस वो हो जाता है. अभी कल रात को फैसल भाई हमें कह रहे थे कि यार इसका क्या करना है, मतलब मेरा. हाँ. तो मैंने कहा यार मैंने पिछले साल शादी करनी थी. हाँ. लेकिन कुछ लड़की और उसके मसले मसाइल हो गए थे. ठीक है. लेकिन क्या मसाइल हो गए थे. मस्तन घरेलू मसाइल क्या हो गया था. तो बस फिर वो खत्म हो गया. क्या मतलब है इस बात का यार, ये तो नहीं, ऐसी बात सही कह रहा है ये. अच्छा हाँ, कसम से मेरे साथ वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसकी क्या वजह. आस्क मी क्या वजह बता. एक आदमी इंतहाई मूडी है भाई. और वो आपको आपको भी पता होगा शादी में मूडी पर नहीं चलता आपका. नहीं चलता तो आपको कभी कभी लगता नहीं है ऐसा यार, देखने में लगता है ऐसा बिल्कुल. अरे सोच आप. नहीं अभी क्या होता है मूडी में, क्या करता है कोई, मतलब सड़कों पे निकल जाता है. नहीं बात नहीं करनी मुझे, बात नहीं करनी मुझे, किसी से बात नहीं करनी.
मुझे छोड़ दो। मेरा असल में ये मुझे हर महीने ना हर महीने आठ दस दिन के लिए ना हर महीने मेरा मूड खराब हो जाता है। मैं हर महीने ऐसा हो जाता हूँ 10-12 दिन के लिए कि बस रीजन बस हो जाती है मेरी लोगों से। मुझे इस इंडस्ट्री की ना 2-3 चीजें चुभती हैं और क्योंकि अब मैं इसका हिस्सा हूँ तो वो चुभती रहती हैं ऐसे ऐसे करके ना मुझे तो मेरे मैं अजीब सा हो जाता हूँ एक दिन। अच्छा वो क्या है? अब क्या वो ये कि बस बहुत नकली बना और हर वक्त रिफ्रेश करना। मैं आपको देखिए मैं आपको भाई और सर इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं आपकी इज्जत करता हूं और अगर मैं आपको नहीं जानता तो फिर नहीं जानता। यहां ऐसा कि मुझे पता है ना अगर एहसन भाई का कोई शो चल रहा है तो फिर सब लोग और मैं गेस्ट आ सकता हूँ एहसन भाई ये नहीं होता मुझसे तो बस वो कभी कभार। लेकिन शायद ऐसा होता हो बिकॉज हमारे पास कॉम्पिटिशन तो है लेकिन प्रिविलेज नहीं है इतने चांसेस कम है तो लोग एक दूसरे को। अच्छा मेरा इस पे सवाल होता है हाँ। कि हमने कंपटीशन में पढ़ना क्यों है? हाँ, पढ़ना भी क्यों है? जब भी हमारे पास एक एहसन खान है तो मैंने दूसरा एहसन खान क्यों पैदा करें? एक अच्छा खासा है, एक अच्छा खासा आप कुछ और बन जाए। एग्जैक्टली तो हम लोग ये सांचे में क्यों फंस जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। ये बात सो आई डोंट अग्री टू इट। आपका अपना रंग होता है, आप अपना रंग दिखाएं। हर चीज आप जब तक यूनिक नहीं होंगे तब तक आप स्टैंड आउट भी नहीं करेंगे। एग्जैक्टली अगर आपकी तरह के 10 लोग हैं तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है। आप देखें आप इतने अच्छे होस्ट हैं, आपने कराटे कर लिया, बेल्ट आप बांध नहीं रहे, एक अलग बात है। लेकिन अरे लेकिन देखें एक अच्छी बात यूनिकनेस है ना। देखो ये वो है अपनी पेटी कस ले पेटी कस ले और बोलो बोलो नहीं, बोलो तो ये काम है। अच्छी लग रही है फैशन में ये वैसे भी आजकल और बस आप बहुत अच्छे हैं और लगा मैं इसके आगे और प्लीज एहसन भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा कोई मैंने सुना तो कोई वेट लॉस जर्नी शुरू की हुई है ये वो उसने तो बहुत ज्यादा की हुई है। मैंने बहुत लूज कर लिया 2 साल पहले की थी फिर हाँ मैंने 40-45 kg गिराया उसके बाद इतना निकला हूँ सोचे। पहले मैं अपने क्लोज में और सामने वाले के क्लोज में दोनों में होता था तो अब मैं सिर्फ अपने क्लोज में आ जाता हूँ। ये अकेला टू शॉट करता था। अच्छा क्या क्यों क्या बस वो वेट इसलिए गिराया क्योंकि एक तो टीवी पे काम करना था थोड़ा जरूरी था फिर मैं बहुत लेकिन एज नहीं मिल जाता। कभी कभी ऐसे होता है कि जब आप थोड़े अलग लग रहे होते हैं जैसे मैं अहमद अली भट्ट को हमेशा ये बोलता हूँ कि ही लुक्स सो डिफरेंट एंड ही इज ऑब्वियसली यूनिक तो वो एक लुक सूट भी करती है तो क्या है आई मीन आम जिंदगी में तो छोटे बड़े लंबे ऊंचे मोटे होते हैं इट्स नॉर्मल यार। हमारे यहाँ पे जरा प्रेशर ज्यादा करते हैं कि भाई आप एक ही तरह के आप बस दुबले पतले वो हो जाए इस तरह के हो जाए। वो मुझे खैर इतना पतला तो नहीं होना लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि मुझे 3 बार कमर्शियल की कॉल आई थी ना तो उन्होंने कहा कि आप आए स्क्रीन टेस्ट के लिए तो जब मैंने कहा अच्छा जी मैंने क्या करना उन्होंने कहा आपने फैटी का करेक्टर करना है फैटी मैं कहा ये कैसा करेक्टर होता है बोला नहीं आप इसमें फैटी वाले तो फिर मैं दूसरी बार क्या फिर फैटी वाले तीसरी बार क्या फिर फैटी वाले मैं कहा यार तो सही है ना देखे ना ये प्रॉब्लम है ये यूनिकनेस है यार उनको कोई और नहीं मिला भाई। और सर टीवी पे ना हर मोटा आदमी हर वक्त घारा होता है नहीं तो वो क्या कैरेक्टर देते और मतलब क्या कहते हैं आपको मैं हम क्या बनाना चाह रहे हैं कोई शाहरुख खान का कैरेक्टर दे लेकिन नहीं I mean, मुझे क्या? तो वैसे भी क्योंकि हम थिएटर से आए तो हमें कैरेक्टर्स एक्टिंग ओरिएंटेड एक्टिंग हो रही हो तो वो अच्छा रहता है लेकिन ये कहना कि यार स्क्रिप्ट में सिर्फ एक मोटा लड़का है तो अब इसको ले लो क्योंकि ये मोटा है तो इस तरह तो काम नहीं करना मर जाए। बट आई बिलीव योर स्किल मैटर्स एंड योर अमेजिंग इन योर वर्क और आपकी जो अपेरेंस है वो तो अच्छी है ब्रिलियंट है एंड डजंट मैटर के लोग क्या सोचते हैं बिल्कुल ऐसे योर स्किल इज और सर खत्म आपको अपना खतम. काम आना चाहिए और आपकी माँ की दुआएं साथ होनी चाहिए और अल्लाह मियां पे भरोसा होना चाहिए बस हम जैसे भी यहाँ बैठ गए आगे तो फिर कोई भी बैठा ब्रेक लेके छोटा सा गेम की जाने पड़ेंगे देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। आदि एंड फैजान आर विद मी राइट हियर और हमारा सेगमेंट है झूठ का झटका। डिड आई से झूठ झूठ जैसे झूठ समझ आ गई है जी जी झूठ का झटका झूठ का झटका किसी और चीज का झटका मत समझ लेना झूठ का झटका झूठ का झटका झूठ का झटका सही है बाकी तो सर में दर्द होता है फिर समझ दिया मुझे गाड़ी में जा रहे हैं गाड़ी में झटका लगता है ना सर में लगा इससे एलैबोरेट मत करवाएं बस ठीक है ज्यादा हो जाएगा अगर आप चाह रहे एडिट ना हो शो तो ठीक है नहीं बिल्कुल नहीं होगा हर केस नहीं तुम दोनों का शो तो बिल्कुल हमने एडिट नहीं करना जी 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 हमारे पास टाइम ही नहीं एडिट करने का बिल्कुल एज लाइव जाएंगे हम ठीक है।
पहला सवाल आप लोगों को मालूम है करेंगे क्या हम? जी मुझे मालूम है सर, आपका हम शो देखते हैं, आपने हमें मैंने इसके जवाब देने, इसने मेरे जवाब देने, हाँ मैंने इसके जवाब देने, इसने मेरे जवाब, और गलत जवाब पे करंट मारना एक दूसरे का। लिया यार, फुल सीन ऑन है, थैंक यू, थैंक यू। 2 मिलियन व्यूज में से 2 हमारे ही थे। मेरा शो देखने के बाद क्या सोचा? हमने सोचा कि यार ठीक है, अच्छा वही हमने सोचा कि आप इतने अरसे क्यों नहीं कर रहे थे। भाई सच्ची बताऊं तो ऐसे ही रिएक्शन होता है कि अच्छा शो है बस ठीक है, ये थोड़ी होता है अहसन खान ने क्या कर दिया भाई, ऐसे क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा शो, मैंने ये सोचा कि आपने इतने अरसे शो क्यों नहीं किया। हाँ हाँ, मतलब मुझे ये दानिश भाई ने कहा था कहने को, ऐसा शो बनाया किसने कभी? हाँ ये भी है, ऐसा शो। और आपको पता है मॉर्निंग शो काफी सब स्टैंडर्ड होते, तो वो जी, करने जी, के बाद आप फिर एंजॉय नहीं कर सकते अपनी जिंदगी। और देखें आपके शो के साथ भी हो रहा है, आपने अच्छा सेट बनाया, आपका सेट कॉपी हो गया, दूसरे चैनल पे चल गया। और बताएं सब ठीक ठाक? ऐसी बातें नहीं करते जी, जी ऐसी बातें नहीं करते, बुरी बात है। वासे भाई भी शो देखते हैं। हाँ क्या वासे भाई, यही बोलना था ना, समझ नहीं आया। वासे भाई का शो नहीं है, वासे चौधरी का शो, उसका सेट बिल्कुल कॉपी है। मजाक रात नहीं, जब भी उन्होंने किया ना बिल्कुल आप ही की जैसा वुड वर्क और चीजें सेम। यार गेम खेलने, हम ट्विन्स हैं, वाला ट्विन ये और ये शो और वो शो ट्विन है, ट्विन्स हैं, ये अजीब से ट्विन्स हैं, ये पहले आया वो बाद में, ये कैसे ट्विन्स है भाई। But we have a lot of love for them and that show, love the show. Absolutely. आगे बढ़ते हैं और सवाल करेंगे, और सवाल पहले किसे करें? फैजान से करते हैं। फैजान आजादी, फैजान आजादी, ये बताएं खूबसूरत लड़कियां देखते ही मेरे दिल से आवाज आती है, ये मेरी बीवी है। गलत बोला मैंने? तो दबा लो उसको। नहीं अरे सही नहीं, बोला, सही बोला उसने, सही बोला बिल्कुल। हर खूबसूरत लड़की देख, हर इसका हर हफ्ते एक नया प्यार है भाई, हर हफ्ते। मैंने एक खातून देखी, नहीं क्रश नहीं, उसको कवर ना करें, प्यार है, प्यार है और डिसाइडेड है भाई को। अगर लड़की हाँ कर दे तो शादी हो जाएगी। मैं आपको बात बताऊं, मैंने एक लड़की को देखा, मैंने बोला भाई मुझे इससे प्यार है। मैं उसके पास गया, उसने कहा भाई मेरी तो शादी हुई है। फिर मैं उसकी बेटी देखी, मैंने कहा मुझे इससे प्यार है। अल्लाह ऐसी है, बॉस ऐसी है, इट रन्स इन द फैमिली हो गया। अब आपको अंदाजा हुआ कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही? आप समझ आइए, थैंक यू, समझ आइए, थैंक यू। ठीक है जी, आदि एस फैजान जी, जी शादी के बाद मुझ में सबसे बड़ा चेंज ये आया है। शादी के बाद सबसे बड़ा चेंज जिम्मेदारी आ गई है। थोड़ा पहले ही आ गई थी, थोड़ा पहले ही आ गई थी, लेकिन ये कि हाँ सही कह रहा है, आनी चाहिए भी, आनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नहीं आती तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी तो डॉक्टर कैसे जिम्मेदारी? वो भी जिम्मेदारी होती है जो फंसी हुई होती है। मैं कह रहा हूँ जो काम रोज करना हो वो जिम्मेदारी है। एहसन भाई प्लीज इलेबोरेट मत करवाएं, प्लीज इलेबोरेट मत करवाएं सर, छोड़ क्या हो रहा है। मैं अगर चुप हूं, ये अगर चुप हो तो फिर आप समझ जाएं कि कोई गड़बड़ है, वरना ये चुप नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात, मेरा क्या होने का मतलब, हम लोग बिल्कुल सच सच बोलते हैं एक दूसरे के बारे में, बिल्कुल सच, ये क्योंकि ये चुप बैठ नहीं सकता, अगर ये चुप है तो कोई चीज चल रही है दिमाग में। ठीक है, यस आदि जी, जी मुझे डर है अगर बेगम को ये पता चल गया तो। ओहो नहीं नहीं, ये पता चल गया, ये अभी बता दिया तो पता चल जाएगा। अगर ये पता चल गया तो ये मुश्किल हो गया ना बेगम को, अगर ये पता चल गया ना तो, अगर इसने कोई जुम्मा छोड़ा हो और इसकी बेगम को पता लग गया कि इसने जुम्मा छोड़ा है तो फिर बहुत। यार ये इतना स्पॉट ऑन जवाब दिया तुमने सर, स्पॉट ऑन जवाब, कैसा 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 यार, मतलब तुम मुझे कुछ ज्यादा ही जानने लग गए। बस मैं कह रहा हूँ, बस पाकिस्तान में पैदा हुए वरना बात बढ़ सकती थी। कैसा दिया, कैसा दिया ये, कैसा कैसा दिया का ये वो ये जरूरी है। चलें जी जी, उन्होंने तीसरी बार जी इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे प्यारी लड़की ये इससे पूछा आपने इस वक्त सबसे प्यारी लड़की, पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो, क्यों? क्योंकि एक लड़की का बताना है। अबे यार ये तो गलत बात है, कम ऑन, इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे प्यारी, नाम ले दें क्या है, नाम नहीं क्या है, इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे प्यारी लड़की नवाल सईद है। मारो ना झटका, मारो ना झटका, ये ले सर मुझे पता है। लेकिन अब उनका वो हो गया है, वो क्या नाम था उनकी, मतलब उनकी उनका कल मैंने पोस्ट देखी है यार, वो उनका बेटा है, वो किन का बेटा, एक्ट्रेस का बेटा ही है, फिर नाम भूल गया। खैर अभी अच्छा मुझे याद है, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ ना, बताओ बच्चों वाले कर रहे हैं भाई, अब उनका हो गया है वो सबा फैसल के साहबजादे हैं, अरसलान फैसल, अरसलान फैसल, उन्होंने लिखा था उनकी तस्वीर के नीचे लिखा था माइन, ओ माशाल्लाह। तो मैंने फिर कल ही मैसेज किया मुबारक हो,
दुआ करें यार, आप चेक करें, आपको मुबारक हो, आप ये कह रहे हैं दोनों खुश रहे इंशाल्लाह। बिल्कुल, वो तो उनपे है, मेरे बोलने से क्या सही है, वो उनकी मर्जी है। अक्सर लोग दो तीन साल खुश रहते फिर एकदम से नहीं रहते, तो ये दोनों भी है ना। इलैबोरेट मत करवाएं प्लीज। अच्छा, और अगर इसके लिए पूछूं कि इंडस्ट्री में सबसे प्यारी लड़की से कौन लगती है? ओफ अल्लाह। अच्छा, बेगम को हटा के, चलो बेगम को हटा देते। अब ये गलत, ये झटका खाएगा, मुझे लग रहा है इसमें झटका, क्योंकि इस तरह है नहीं ना। सबसे प्यारी लड़की कौन लगती है इसको, ये मैं बताता हूँ आपको ना। ये अगर उल्टे हाथ पे जाएँ आप, तो ये तीन खड़ी हैं इसमें। अब ये सिरा असगर, पहले मुंह बना रहे फिर दबा रहे। मैंने डॉज दिया ना, तुम कहीं छोड़ ना दो पहले उसको। गलत जवाब। नेक्स्ट नाम। अरे वाह, अच्छा मैं साइको हो जाऊं तो फिर मैं इतना गलत मारेगा। मैं आपको बताता हूँ दूसरा नाम, लड़की लगा लगा लगा, दूसरी लड़की अच्छी लगती हो। ये अभी थोड़े दिन पहले एक लड़की आई थी ना शो पे, जो तुमने कहा था बड़ी अच्छी है, तमीज से बात करती है। इसका नाम भूल जाता हूँ यार, एक तो मैं वो फरियाल महमूद। भाई उसको वो नहीं देखता, अपनी बेगम के अलावा नजरें नहीं उठाता ये। ये गुड, दो बार दरख्त में लगा इस वजह से, नीचे लेके चलता रहता है। सर देखे आप, ओके जी, कैसा सिखाया इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे तेज लड़की कौन है? वो देख ले जिसके मिलियन फॉलोअर हैं। अरे तेजी होंगी तो मिलियन हुए ना, स्लो थोड़ी हो सकती है। पॉजिटिव सोचे, नहीं नहीं ऐसे क्या मतलब है? अच्छा, कौन सी वाला तेज कह रहे हैं आप? आप जो मर्जी समझ लो। मुझे ना पसंद। अच्छा तेज कौन सा वाला, काम करने वाला, काम करवाने वाला तेज? ये आप जानते हो। अच्छा भाई, ये कौन, किससे पूछा आपने? ये मुझसे पूछा आपने, आदि के लिए पूछा है, आदि के लिए पूछा है मुझसे, दोनों से पूछा, दोनों के लिए। अच्छा अच्छा, इंडस्ट्री में सबसे तेज लड़की कौन है? कौन है जो पकड़ी नहीं जा रही? क्या बदतमीजी है यार, मतलब तेज है ना, भाग रही है, पकड़ी नहीं आ रही। वेल डन आदि, वेल डन। हां जी, जवाब दो। मेरे ख्याल से फरियाल, फरियाल महमूद, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी शार्प एंड शी नोज के किस तरह काम करना है, सो वेरी नाइस। ठीक है जी, मुझे लगता है कि इन्हें अब हीरोइन नहीं आना चाहिए। ये किससे पूछा आपने? मुझसे पूछा आदि के लिए। हां, किसे हीरो नहीं आना चाहिए? हीरोइन नहीं आना चाहिए, हीरोइन नहीं आना चाहिए। अरे बाप रे, हीरोइन नहीं आना चाहिए यार, ये तो मुझे डर लग रहा है। हीरोइन नहीं आना चाहिए, वैसे कुछ जिनको नहीं आना चाहिए वो नहीं आ रहे हीरो हीरोइन। नहीं बताओ ना। हीरोइन नहीं आना चाहिए। हाँ। कोई नाम सही जोर से पकड़ो जरा, मैं अभी दबाऊंगा। अच्छा हाँ ना, ये लो, हीरोइन नहीं आना चाहिए, रीमा जी को। रीमा जी को? हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए यार? तो तुमने करंट क्यों लगाया? एक सेकंड, तुमने करंट क्यों लगाया? कुछ नहीं है रीमा। गलत जवाब दिया ना आपने। अच्छा सही, सॉरी। हाँ, हीरोइन उनको तो आना चाहिए। Do you think उनको आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। है हीरोइन, बहुत ग्रेसफुल, तो फिर किसको बचाओ, किसको किसको नहीं आना चाहिए? आप बताओ। अच्छा मैं अभी सोचूं। हाँ, मैं करंट नहीं लगाऊंगा, बताओ यार। अब किसको नहीं आना चाहिए, कौन ऐसी हो गई कि बिल्कुल ही खत्म ना खत्म? यार इतने गलत कीवर्ड्स हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने पाकिस्तानी टीवी पे चलाना है तो मथीरा कर ले। मथीरा यार, ये मथीरा का करंट लगा है मुझे यार, असल में मथीरा का मसला है। फुल फ्लेज हीरो है ना, फुल एक्स्ट्रा फुल फ्लेज। क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है आदि, व्हाट डज दैट मीन? मतलब इतनी एनर्जी और इतना ओपन माइंडेड उनका क्राफ्ट है कि एक्स्ट्रा फुल ऑफ यू नो करेज एंड क्रिएटिविटी कमिंग आउट। बेचारा एडिटर सिर्फ नोट कर रहा है, अच्छा ये वाला भी, अच्छा नहीं, ये वाला क्योंकि भी। मैं आपको बताऊं, मथीरा जो है आपको एंड में आपको 17 मिनट का शो मिलेगा, बता दूं। मथीरा मेरी सब कर जाएगा। मथीरा मेरी दोस्त भी है बहुत अच्छी, और मैं उनके शो पे भी गया था। वो होस्टिंग बहुत अच्छी करती है, उनको होस्टिंग करनी चाहिए। वेरी गुड। ठीक है जी, अगला सवाल जी। मैं सिर्फ उससे शादी कर लूंगा जिसके पास अच्छा दिल हो। सही बात, ऐसे ही है, दिल जरूरी है सर, दिल जरूरी है, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत की ताकत ही कुछ और होती है। ओए ओए, क्या हो गया भाई? नाइस यार, ये फिल्म में था। हाँ, साहिर भाई की। साहिर भाई की नहीं थी भाई। तो फिर कौन था? ये वो शाहरुख खान की फिल्म का। अरे तो 19-20 है यार, क्या हो गया? मतलब मैं पहुंच गया ना। हाँ मतलब ठीक है,
आदि जिंदगी में ये दो बातें लाजमी याद रखना, ये कह रहा है ये कह रहा है जिंदगी में दो बातें लाजमी याद रखना, याद रखना, एक मैं जब फंसू मेरा फोन उठा लेना, और दूसरा ये कि जब कभी तुम फंसो तो मुझे कॉल कर लेना। एक बार ना मैं एक लड़की के साथ डिनर पे चला गया जी। अब हम बैठे हुए और हम बातें बातें कर रहे हैं, एक सेकंड आप बीच में पार्ट भूल रहे हैं, ये मुझे उस बारे में बता चुके थे कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ जी। अब उनसे बातें बातें कर रहे हैं, अब मैंने उनको बोला कि डिनर के बाद आगे भी कहीं घूमने चलते हैं ड्राइव श्राइव पे, पता नहीं अल्लाह मैंने उसके जहन में क्या डाला, उसने कहा तुम पहले मेरा नाम बताओ। अब मुझे उसका नाम नहीं याद था। फिर मैं बाथरूम गया, लेकिन भाई ने कैरेक्टर नहीं छोड़ा अपना, बिल्कुल मैंने यूं किया, बैठे बैठे यूं किया, मैंने कहा यार एक मिनट। मैं बाथरूम गया, मैंने बाथरूम जाके इसको फोन किया, क्योंकि ये इसको उसका नाम बताता क्योंकि मैंने बताया था इसको। तो इसको मैंने पूछा उसका नाम क्या, इसने कहा नाम, इसने मुझे फोन किया, मैंने एकदम ब्रांड, मैंने कहा क्या हुआ यार मैं किसके साथ कॉफी पीने आया था, मैंने कहा हैं क्या मतलब है बस वो ये एपिसोड ना देख ले वरना वो समझ जाएगी कि ये तो मैं ही थी, ये तो मैं ही थी। नहीं, अब तो आजकल तो एग्जिस्ट नहीं कर रही ना आपकी लाइफ में, नहीं लाइफ में तो नहीं है, नहीं लेकिन रिपीट टेलीकास्ट कभी भी इनबॉक्स में कहीं होगी। रिपीट टेलीकास्ट कभी भी, टेलीकास्ट इनबॉक्स ये क्या हो रहा है, जब से वो शुरू है ना गिव रॉयल्टी तो उस पे लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है ये हाँ जरूरी, ठीक है जी ओके पकड़ो भाई। अच्छा हाँ सॉरी, हम अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है ना, एक एक लगाया तो बस। मेरी बीवी ने कहा है कि इन दो नामों के साथ कभी काम नहीं करना। बताओ बेटा ये तो तुम कहीं और से पिटोगे, मुझे तो मसला ही नहीं है। इसकी बीवी ने कहा दो काम दो उनके साथ, लड़कियां नहीं बोला, दो लोगों के साथ काम नहीं करना, इन दो नामों बोला, लड़का भी उसे दो नामों के साथ कभी काम नहीं। मुझे लगता है जितना मैं माहम को जानता हूँ वो ऐसी कोई बात नहीं कर सकती, नहीं करेगी ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है इसके घर में कोई ऐसी बात बदल गया, ये फौरन बदल गया, नहीं 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 इसके घर में कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। हम जब हम लोग सब बैठते हैं तो अक्सर बात होती है यार ये यूं 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 यूं, लेकिन कभी ये बात नहीं हुई कि नहीं यार काम नहीं करना, ऐसा नहीं होता। ठीक है ओके जी आगे बढ़ते हैं। आदि ये मुझे गुस्सा आता है जब कोई मेरी ये कह रहे हैं जब कोई मेरी, मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना है, तुम मत देना इसका जवाब, ये बहुत गलत जगह रुक रहा है, मैं दे देता हूँ। जब कोई मेरी गाड़ी के सामने गलत आ जाए ये मारने मरने पर उतर आता है, अगर ट्रैफिक में कोई मसला हो ना ओ हो आप कंट्रोल कर ले, कंट्रोल नहीं करेंगे इसको। सर अजीब लोग है ना, फोनों पे लगे हुए और हेलमेट नहीं पहना हुआ, सिग्नल तोड़े, मुझे समझ नहीं आता ये बाइक वालों के साथ क्या उनकी क्लच प्लेटों में मसला है। भाई सिग्नल लाल है, लिखा आ रहा है 35 सेकंड बाद खुलेगा, तो 35 सेकंड सबर करो, अब क्लच छोड़ दे नहीं कर देते, ये क्या हो रहा है, ये इससे क्या मिल रहा है तुम्हें आराम से अपना क्लच टेस्ट करता रहता है बैठे बैठे ऐसे ही। तो मैं बहुत मुझे गुस्सा आता है ट्रैफिक में। ओके ओके जबरदस्त जी। ओके जी फैजान, मेरा फेवरेट एक्टर, ये फैजान बताएगा नहीं तुम बताओगे मेरे लिए ना, हाँ ना फैसल कुरैशी हैं, अग्रीड सर अग्रीड, मेरा फेवरेट एक्टर। ओ भाई यार ये तो मैं फंस जाऊंगा, मेरा फेवरेट एक्टर आदि का फेवरेट एक्टर, आदि टीवी नहीं देखता, आदि फिल्म नहीं देखता, इसको क्या पता फेवरेट एक्टर का, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, बताओ, नहीं ये बताओ, तो ये बताओ, तो सच है कि मैं देखता हूं, वही तो होगा कुछ तो देखता होगा यार, इंस्पिरेशन यू एवर सीन समबडी, हां ये हो सकता now, है कवि साहब हैं, हां यस यस, मैं आपको बताऊं कवि सर, मोइन अख्तर सर, ये दो वो लोग हैं, मैं नहीं देखता टीवी वीवी बिल्कुल कुछ भी, लेकिन ये वो लोग हैं जिनसे मुझे बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा हाँ, बहुत ज्यादा, और वो डिजर्व भी करते हैं, वो सर वो तो ऐसा डिजर्व करते हैं कि हमें उनको आसमान पे बिठाना चाहिए था, हमारी बदनसीबी है कि आज भी हम उनको कहते हैं आधा घंटा रुक जाए दो सीन और हैं। अच्छी बात है, जितनी इज्जत हो सके बिल्कुल एब्सोल्युटली सबको, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट सारे सीनियर्स को, एब्सोल्युटली नो डाउट नो डाउट नो डाउट। आदि जी फैसल कुरैशी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस वो अपनी ये वाली आदत बदल लें तो और भी अच्छे हैं। वो छोटी सी बात पे नाराज हो जाते हैं, लेडीज बच्चों की तरह, लेडीज की तरह नहीं बच्चों की तरह, बच्चों की तरह असल में वो क्यूट वाला नाराज होते हैं, मान भी जाते हैं फौरन, लेकिन नाराज हो जाते हैं। फैसल भाई को मनाने का बस हगी कर ली एक, बस वो मान गए, लेकिन वो नाराज हो जाते हैं छोटी सी बात पे भी, वो कुछ भी हो सकती है। अच्छा वो हर एक से ऐसा होता नहीं होगा, जब अपनायत होती है ये प्यार की बात है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। ठीक है जी फैजान, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस
मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, ये मैं आदि के लिए बता रहा हूँ। पकड़ो बेटा, जोर से बोलो। एक्ट्रेस तो मुश्किल ही, हम पूछ चुके थे वैसे कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस। जोर से पकड़, तुम्हें लग नहीं रहा? अबे रखा हुआ है ना, ये कटा हुआ है बेटा, आराम से। अच्छा करंट। हाँ, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस महवेश हयात है। नहीं भाई, पकड़ो जरा जोर से। पकड़ा हुआ है ना? नहीं लग रहा ना तुम्हें, ये देखो। मजा आ गया देख के। उफ अल्लाह, क्या एक्टिंग कर रही है भाई, वाह। इकरा अजीज। Oh, nice. I find her so adorable, mashallah, mashallah. और वो इतनी मुझे अच्छी लगती है, और वो by nature, acting, सब कुछ. She's wonderful, no doubt. Amazing. Okay, जी, आदि, मुझे अगर कोई सुपर पावर लेने का मौका मिल जाए तो वो मैं कौन सी सुपर पावर लूंगा? मुझे बताओ। तुम्हें बताऊँ कौन सी सुपर पावर? अरे ये मुश्किल है, ये लगा मुझे ना। ये स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन सुपर पावर है? सुपर पावर क्या होती है? स्पाइडरमैन में से जो निकलता है, स्पाइडरमैन में से भी निकलता है वो, सही कर, वो निकलता है नाड़ा। अपने आप को ढूंढ रहा है तो गुम होना जरूरी है। अगर फैजान, हाँ जी, अगर कोई मेरी नींद खराब कर दे तो फिर मैं, नहीं तो सही बताएगा, अगर कोई मेरी नींद खराब कर दे तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, हम लोग दुबई गए थे ना, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह है, वो मेरे मुंह के ऊपर खड़े होकर जोर जोर से गाने बजाते थे सुबह सुबह, बस फिर पूरा मूड है खराब हो जाता। आप भी जानते हो अच्छे तरीके से। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई नींद से तंग करे। डीके की बात हो रही, दानिश ख्वाजा की बात कर रहे हैं। वो उनको उठाने का, ये उनका उठाने का तरीका था, सर पे खड़े होकर। नींद से तो किसी को भी नहीं उठाना चाहिए आपको। सबसे बुरा गेस्ट जिसके साथ शो करके बिल्कुल मजा नहीं आया, वो कौन था? यार मैं तो बताने को राजी हूँ, नाम नहीं याद आ रहा ना। अच्छी बात है, तो मैं नाम याद। मुनीजा है ना, उसे पूछ ले। मुनीजा बता देगी यार, वो तो 15-20 15-20 बता देंगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक आई नहीं थी मॉडल। अच्छा ना, नहीं बताना यार, कोई बात। मॉडल पतली सी, अच्छा ठीक है, लंबी थी। फैजान, हाँ जी, मैं इसकी एक आदत से बहुत परेशान हूँ। मैं इसकी एक आदत से बहुत परेशान हूँ। आदि की, या आदि कहेगा मेरी आदत से? नहीं, मैं आदि की तरफ से जवाब दे रहा हूँ ना। इसकी कौन सी आदत जो बहुत परेशान कर देती है फैजान को भी, उसको भी, सबको? यही मूडी होना, बहुत मूडी है। इसका मूड है तो सब ठीक है, इसका मूड नहीं है तो फिर मसला है। ऐसा है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि ही इज इन अ गुड मूड। ये दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मैं लाडली हूँ ना। क्यूट बन रहा था अपनी तरफ से। क्यूट तो बिल्कुल भी नहीं बनाई, नहीं लगा क्यूट। नहीं तो ये कि इसका इसका मूड तो ठीक है। मेरी शख्सियत में सबसे बड़ा चेंज उस वक्त आया जब, मैं नहीं बताऊंगा, मजाक बन जाएगा। नहीं नहीं बताऊंगा, नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं। ये भी नाराज हो जाएगा, फैसे भाई भी नाराज हो जाएंगे, जाज असलम भी नाराज हो जाएंगे, वसीम भाई वसीम अदामी भी नाराज हो जाएंगे, बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे। इनकी मैगजीन में शादी शादी नहीं, असल जवाब इनकी शख्सियत बताओ यार। सबसे बड़ा चेंज तब आया जब जब आएगा नहीं जब इसको ना डिजाइनर्स कपड़े देने लग गए, जिंदगी में चेंज आ गया ना, खर्चे कम हो गए। बहुत फजूल बात पर रही है सर, जो असली बात है नहीं बता सकता। नहीं असली बता। गलत जवाब दिया बॉस आपने। असली असली गलत जवाब दिया बॉस। असली 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 सर, ये लोग सब गए भाई जब जब हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तब, सीधी बात है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ये घबराते ये बात बोलते हुए। ऐसा किया यार। हाँ क्यों नहीं भाई, इट्स पार्ट ऑफ आवर वैनिटी, इट्स ऑल राइट। मैं तो इज्जत रख रहा था भाई, आप लोग गंजे हो गए यार। आई थिंक ये टाइम आउट के शो का ये वाला सेगमेंट का सबसे लंबा सेगमेंट है। रियली थैंक यू सर, यानी हमारा दिल कर रहा है कि आपसे सवाल करते थे, क्योंकि यू गाइस आर रियली एंजॉयिंग द झटका एंड द क्वेश्चंस आल्सो। एब्सोल्युटली, एंड वी आर आल्सो एंजॉयिंग द आंसर्स। जनाब एक ब्रेक लेंगे, दूसरी गेम की जाने पड़ेंगे, और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन ख।
खान। Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan और हमारे साथ आदि और फैजान मौजूद हैं और segment है तीखा सच और चूंकि wings इनके favourite हैं तो इनको कोई problem ही नहीं खाने में। मेरे favourite। और मैंने सुना है कि मिर्चें इनकी favourite हैं। मिर्चें मेरी। पी जाते हैं मिर्चें। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। पी जाते हो? पी जाता हूँ। वो नहीं था Tabasco sauce। ना यार। बिल्कुल। हाँ, direct। बिल्कुल पी जाते हैं। लेकिन मुझे, मैंने जितना आपका शो देखा मुझे पता ही है सबसे नेक्स्ट लेवल चीजें हैं तो थोड़ा सा डर लग रहा है। Yeah, come on. नहीं, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खाना शुरू करें। अच्छा, शुरू कर दें बस। हाँ यार, खाना शुरू करो। अच्छा। फैजान शेख की वजह से ऐसे कई शोज थे जो आदि ने किए क्योंकि फैजान आदि को मना कर लेकर आता था। सच बात है। क्या क्या कैसे कुछ शोज होते हैं जिसमें आदि कहता है हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि यार ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है या हमारे हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है सही। तो हम क्या करेंगे सही। तो मैंने कहा था नहीं, लेकिन काम तो काम है। अच्छा, तो मैं मना के उसको ले आता था और ये कर लेता था शो बेचारा। ठीक है, जबरदस्त। मैं आपको एक मिसाल, वाँ वाँ वाँ। इसकी एक मिसाल भी दे सकता हूँ। कैसा लग रहा है आदि? बस बिल्कुल मौत नजर आ रही है सामने। यार दिस इज सो गुड। नाइस, आई लाइक दिस। नाइस, वाह, ओके कूल। ये है टू साइड विंग्स बाय द वे। हां, तो ये इनकमिंग भी बताएंगे, आउटगोइंग भी बताएंगे। इसका फीडबैक हम आपको कल सुबह देंगे। राम, इट्स सो गुड यार। ओके जी, आदि क्या हुआ? आदि क्या हुआ? बस ये मेरी आवाज है, काट देगा बीच में। आदि जवेरिया साउथ ने अपने घर का वीडियो बनाया। जी जी, क्योंकि नॉर्मल बात है। फिर आपने भी अपने घर का वीडियो बनाया, वो भी नॉर्मल बात है। तंस किया, वो भी नॉर्मल बात है। लेकिन ऐसा क्यों किया सर? मैंने इसलिए किया। ओ, ये तो पता है मैंने क्यों किया। वो मैंने इसलिए किया, मैं बहुत अच्छा, मैं क्या कर रहे थे, मेरी याददाश्त चली गई है, इतनी मिर्ची है उसमें। वो क्यों किया था? ये घर आया था मेरे। हाँ, हमारे पास कुछ था नहीं करने को और उस वक्त वो वायरल हो रही थी, तो इसने कहा चलो ये बनाते हैं। मैंने कहा बनाते हैं, तो वो बहुत अजीब शोखा बना था, तो हमने कहा चलो इसका मजाक उड़ा लेते हैं थोड़ा सा। क्या रिस्पॉन्स मिला था उसका? कुछ नहीं, लोगों ने कहा कि टाइट, यही लगे रहे आप लोग। फिर लोगों ने और वीडियो बनाए, हमने कहा यार और नहीं बनाते। लोग कहते थे और वीडियो बनाए, घर की है कोई और वीडियो। कोई और वीडियो तो कोई बना के चला जाएगा, बटन चलेगा। पहली वाली एक ही थी, कोई और वाली बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं की। अल्लाह। और अगर वो लीक हो जाए तो? अगर लीक हो जाए तो पंचर लगाएं उसमें। नहीं नहीं नहीं, लीक हो जाए तो मास्क पे डाल दें। मास्क पहना हुआ था, किसी और ने मेरा मास्क पहन लिया। मॉर्फ है, किसी और की वीडियो है, फोटोशॉप है। ये अल्लाह रहम करे, ये मैं थी नहीं। आप थी नहीं? था नहीं। हां ना, ना। जी और बोले ऐसे में, और बोले अल्लाह मिर्च खा रहा है। दूध है, पेंट है, दूध असली है। पीले यार, पीले कुछ नहीं होता। बहुत आला। हां, मजा आ रहा है। आए मजा आ रहा है। अच्छा जी, ओके जी सर। फैजान, हां जी, प्रवीण आपा का बेटा होने का कभी फायदा नहीं उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी भी नहीं उठाया। इनफैक्ट मैंने मैं इसलिए नहीं बताता क्या कि लोगों का बिहेवियर चेंज ना हो। चेंज हो जाता है फिर लोग बहुत ज्यादा इज्जत देने लगते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा। बहुत सारे लोगों को बताता भी नहीं है मैं प्रवीण नगर का बेटा हूँ। कभी भी नहीं बताता, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मेरी इज्जत हो तो मेरे काम से हो या मेरी वजह से हो। उन्होंने जितना काम किया फिर मुझ पर प्रेशर भी आ जाता है, बिकॉज जो उन्होंने किया वो मैं कभी दोबारा जिंदा हो जाऊँ तब भी नहीं कर सकता। तो आई डोंट वांट टू टेक दैट प्रेशर, आई वांट टू वर्क माय वे। तो अल्लाह का शुक्र है, स्लो एंड स्टेडी है, लेकिन अल्लाह का करम। और मैं भी कभी किसी को नहीं बताता कि मैं किसी का बेटा हूँ। एक बार मैंने बताया था, मुझे उसके बाद भी इज्जत नहीं मिली। ओके यार, बहुत आला। आगे बढ़ते हैं जी। आदि जी, मुझे अकेले वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। ये आपका स्टेटमेंट है, इसकी क्या वजह है कि इस इंडस्ट्री में कोई मेरा दोस्त नहीं है? सर, इस इंडस्ट्री में मेरे दोस्त दो तीन ही है, ज्यादा मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि मुझसे ना ये नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा। मुझसे ना इवेंट अटेंड नहीं होते, लाइक शेयर नहीं होता,
तो मेरे दो तीन दोस्त ही हैं बस, काफी हैं बस जिंदगी गुजारने के लिए मेरे। अच्छा नहीं मतलब क्यों, क्या वजह बनती नहीं लोगों से, या मजा नहीं आता लोगों से बैठ के, ज्यादा गपशप नहीं हो सकती, फॉर्मेलिटी होती है? मैं आपको बताऊं आदि का जो प्रॉब्लम है, काइंड ऑफ पीपल, नहीं आदि का प्रॉब्लम ये है कि आदि फेक नहीं कर सकता। हां आदि के नॉट करते, हम लोग तो नहीं फेक करते। नहीं आप लोग नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग प्रिटेंड करते हैं ना। अच्छा हां, कभी आप हेलोवीन पे गए? नहीं आई डोंट, बस बताओ ना वो रोज बैठक नहीं कर सकता मैं इसके घर, रोज नहीं जाता, हम लोग कभी महीना महीना नहीं मिलते कभी कभी। मतलब अपने लिए टाइम निकालना अपने लिए, आओ ना यार। मैं खा रहा हूँ, दूसरे सवाल पे सारा खा गए, वो दूसरे सवाल पे तीनों चारों खा गए, कौन लोग हमें थोड़ी पता था क्या है यार, तूने खाना नहीं खाया, मैं घर से ऐसे हमें थोड़ी पता था कि छह का बजट है। अच्छा जी फैजान, बचपन में अम्मी के हाथों पाइप से सबसे ज्यादा पिटा हूँ बीच चौराहे में। पाइप से नहीं, चप्पल से। चप्पल से बीच चौराहे में, ग्राउंड में। क्यों, क्या हुआ था ऐसा? हम पे पाबंदी थी कि 7 बजे यानी कि मगरिब पे घर में होना जरूरी है। हम क्रिकेट खेल रहे थे, मैच लगा हुआ था, याद नहीं रहा, अंधेरा हो गया, अजान हो गई, अम्मी आई वहां से स्लोमो में। हाई स्पीड शॉट था अम्मी का, अम्मी ने यूं करके दो चप्पलें निकाली और फिर यूं फेंकी। मैं आपको बता रहा हूँ, तो हम लोग पिटते फिर, और उसके बाद दोस्त हमसे तफरी करते थे, हम बैटिंग और अरे आंटी तो हम बल्ला छोड़ते थे। मेरे दोस्त भी उतना ही डरते थे अम्मी से। ऐसा भाई, अभी तक ऐसे ही है। ऐसा भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज रात को मेरे कम्फर्टर में आग लग गई तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मिर्चों से आग के ताल्लुक है, ड्रैगन बन जाऊंगा रात को मैं, ड्रैगन। मुंह से नहीं, मिर्चे कानों से। अच्छा मिर्चे हमें लग रही है, म्यूजिक की स्पीड वो बढ़ा रहे हैं बिल्ला बजे। अच्छा जी वाह वाह बहुत आला। आगे आगे ही आगे आगे इंडस्ट्री में असल इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ना, मुमकिन नहीं है। आप जैसे हमारे सीनियर्स, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनको देख के अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे नहीं भी हैं। हाँ मुझे लगता है हमें हमारे जितने हमारे साथ के लोग या जो अब जो आ रहे हैं उनको, वी नीड टू लुक अप टू पीपल लाइक यू, फैसल भाई, कवि साहब, बिकॉज आप लोग जेन्युइन हैं, आप लोग जैसे हैं वैसे हैं, और आप लोग बहुत मेहनत करके आए हैं यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली अब ये वाला सीन हो गया ना कि मेरे फलाना फॉलोअर्स हैं तो बस आई एम देयर, इट शुडंट बी लाइक दिस। और फाद भाई ने उस दिन इतनी अच्छी बात की, फाद भाई कहते हैं कि एक्टिंग सिर्फ कैमरे के आगे करनी चाहिए बस। हाँ और ये मैंने नोट किया है कि जितने पुराने लोग हैं ना वो सिर्फ कैमरा के सामने एक्टिंग करते हैं, अदरवाइज आप लोगों से मिले तो वो हर वक्त एक कैरेक्टर में हैं, which shouldn't be the case। ये नहीं होना चाहिए, ये जेन्युइन लोग कम है, कम है, ये तो आम दुनिया के भी रिवाज हो गया यार, बस वो होता जा रहा है ना, आखिर तो खत्म होनी है ना, वो ऐसी होगी। वाह अच्छा, मुझे लोग फैसल कुरैशी में बहुत मिलाते हैं। हाँ लगता भी है क्योंकि एक ही जगह जाते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी एक ही है। हाँ हाँ दाढ़ी भी एक ही है, सही कह रहे हैं, समझ रहे हैं, हेयर स्टाइलिस्ट एक है, बिल्कुल सही। अच्छा अच्छा अच्छा, और फेस कट भी वैसा ही है। नहीं यार वो तो बिल्कुल बॉय हुए हैं अभी। अच्छा वो अभी, हाँ अभी उनका हुआ वो, एक तो हम लोग की बातचीत करने का शायद तरीका है कुछ एक जैसा है, मैंने उनसे बहुत सीखा है इसमें, कोई मुझे बिल्कुल आर नहीं होती बात बोलते हुए। और एक होता है ना ग्रूमिंग होती है आपकी, उसमें फैसल भाई का बहुत बड़ा हाथ है यार, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे लगो, कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो, मेक श्योर व्हेन यू आर आउट यू आर लुकिंग नाइस बिकॉज़ पीपल लुक अप टू यू, पीपल रिलेट टू यू, सो इसमें उनको क्रेडिट जाता है, इस वजह से शायद, इस वजह से। आदि जी सर, इससे इसको किससे मिलाते हैं? खाना यार। सर खा रहा हूं। ना ऐसे नहीं, ऐसे भाई। अरे भाई ऐसे, अरे लाल चूसा निकल आएगा एकदम से, अभी चूसों की आवाजें आने शुरू हो गई। अरे ना करें प्लीज सर, नजरे सानी करें ना कुछ। हां ये वाली नजरे सानी करें। ओए होए होए होए, ए अब आएगा मजा, अल्लाह पूछेगा। ओबे खा बेटा खा, ये प्यार से मारेगा, मैं खा भी लूंगा, चुन के खाओ, चुन के। आदि जी सर, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो मैं ये फील्ड छोड़ दूंगा। अगर मैं छोड़ दूंगा, बहुत सारे पैसे होंगे? हां नहीं पैसे आ जाए तो छोड़ दूंगा, बहुत सारे पैसे आ जाए छोड़ दूंगा। हां क्या वजह, क्यों? सर छोड़ दूंगा, कोई ऐसा काम करूंगा जिसमें सुकून भी हो, मजा भी हो, और पैसे की टेंशन ना हो, और छूट कम से कम हो। इसके साथ अभी भी ये होता है, मैं कर लूंगा, अगर ये बहुत सारा काम एक साथ कर ले, वेकेशन पे चला जाता है, काम छोड़ देता है, सब मुझे बताए ना, चीजों को मना करना शुरू कर देता है। क्यों मना कर रहा है?
अभी मैं I'm covered, I'm okay. और सर अजीब सी बात है ना, इस इंडस्ट्री में आज तक चेक साइन होने में महीना लग जाता है. वो मेरे ख्याल से जिसने साइन करना होता है उसके हाथ सोन हो जाते, बीपी का मसला है. तो ये ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकते. अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है आदि. अच्छा जी फैजान. हाँ जी. मुझे बहुत ख्वाहिश है कि मैं बहुत सी फिल्में करूँ, लेकिन जरा कम ऑफर हो रही है. ऑफर तो बिल्कुल नहीं हो रही अभी, लेकिन मुझे ख्वाहिश है फिल्म करने की, बहुत सारी करने, बहुत सारी करने की, अच्छी अच्छी फिल्में करने का ऑब्वियसली. अच्छी अच्छी मुझे मुझे पर्सनली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे हीरो करने का बिल्कुल शौक नहीं. अच्छा, कैरेक्टर का? मुझे कैरेक्टर करने का शौक है. मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है स्टोरी में सबसे बोरिंग कैरेक्टर हीरो का होता है, बिकॉज यू ऑलवेज द सेम, यू ऑलवेज कम आउट विक्टोरियस, ऑलवेज कम आउट विक्टोरियस. सो आई एम अगेंस्ट दैट. मुझे लगता है जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं आप उसमें बहुत मार्जिन मिलता है आपको, यू कैन रिलेट टू इट, उडारी एंड ऑल ऑफ दैट, कयामत. सो यू नो वो वाले कैरेक्टर्स करने में यू गेट टू सी अलग, एक अलग आप अपना शेड दिखा सकते हैं, ग्रे वाला. सो दैट्स मोर फन. मेरा कोरोना नेगेटिव हो गया. इतनी मिर्च खिला दी, मेरे सिम्टम जल गए. मॉर्निंग शो इसलिए करता हूं कि रोज सुबह बहुत सारे कैमरे और दुनिया के सामने आ सकूं. वाओ, यानी आपको बड़े दिल को मजा आता है कि आप लोग रोज, सर आप घर का हिस्सा बन जाते हैं ना, लेकिन सुबह का हिस्सा बन जाते हैं, रोज मिल रहे लोगों से, बिल्कुल बातें कर रहे हैं. और बताऊं हमें जो चीज अच्छी लगती थी मॉर्निंग शो करते हुए वो ये बात तो थी, लेकिन ये भी कि जब हमें फीडबैक मिलता था कि हम लोग डिप्रेस थे और हम आपका शो देख के वी आर फीलिंग बेटर, और लोग कॉल्स करके कहते थे कि जी हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, कैन यू एड्रेस इट, एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू एड्रेस इट. तो अल्लाह का शुक्र है, अच्छा लगा. और एक बार मुझे जब शो बंद हुआ था ना एक मैसेज आया था खूबसूरत सा, उन्होंने कहा आपके, आप तीनों के बगैर हमारे नाश्ते अधूरे हो गए. खूबसूरत बात है, क्या बात है. वो देखा इनको, देखो भाई इनको मिर्चे विर्चे कुछ नहीं कहती, ये चेक करो सर, ये गुनाहगार लोग हैं, इनके सब चला गया. खाओ बेटा खाओ 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 खाना आदि, एक मिर्च तो खा लो यार, एक मिर्च आदि, ये भी खाऊं एक. अच्छा ऐसे नहीं खानी, लगा के खानी साथ, यहाँ से यहाँ जो कॉम्बो बना हुआ है ना वो डेडली है. ये या अल्लाह कसम से 60,000 के पीछे क्या क्या करना पड़ेगा. कसम से 25 वाला शो होता ना ये, मैं इसको ला के फेंक देता. यहाँ पे एक ब्रेक लेके हमारे साथ रहे, और ये दोनों जबरदस्त हमारे गेस्ट मौजूद हैं, बहुत मजा आ रहा है. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहे टाइम आउट विद एसएम खान. वेलकम बैक, टाइम आउट विद एसएन, आप देख रहे हैं, और हमारे दोनों बड़े मौजज और स्पेशल गेस्ट यहां पे मौजूद हैं. प्यार से इज्जत दे रहा हूं जी, बड़ी इज्जत दी आपने, खून की उल्टियां की हमने, बड़ी इज्जत दी आपने. मौजज अभी की नहीं है, हाँ अभी करेंगे जाके, अभी वो उल्टी का ना सेम आना शुरू हो गया यार. और जो आपको मालूम है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों ने साइन किया यहाँ पे आने से पहले, उसमें ये भी लिखा हुआ था क्लॉक, अगर आपकी तबीयत खराब हो तो आप अपना रिस्क है उस पर. जी जी बिल्कुल जी जी सर, वो तो वैसे भी ऐसे ही होता है. हमारे मुल्क में कौन सा मेडिकल फ्री होता है. हाँ तो सब अपने तैयार. अच्छा सेगमेंट का नाम क्या है? करके दिखाओ. करके दिखाओ, ऐसे कुछ है क्या है सेगमेंट का नाम क्या है? खुल के करके दिखाओ. खुल के करके दिखाओ, खुल जाओ करके दिखाओ, वरना घर चले जाओ. करो वरना मैं कह रहा हूँ, करो करो वरना मैं दूसरी जबान में बात करूंगा. अरे कर लो फिर आदत हो जाएगी. करते रहो, कोई नहीं. नहीं सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है करते रहो, कोई नहीं देख रहा. करते रहो, कोई नहीं देख रहा. अच्छा ये कौन सा सेगमेंट है? नहीं सेगमेंट का नाम है देखकर डिलीट कर देना. नहीं 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 सेगमेंट का नाम है, सेगमेंट का नाम है, आज साइड पे आके कर लो. नहीं 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 साइड पे क्यों? सेगमेंट का नाम है दीवार पे करना मन है. सॉरी सेगमेंट का नाम है करो ना करो कुछ तो करो. सर छोड़े आप बता दें, वो ओके हो गया, आप बता देना, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़े आप, यहाँ आ जाए.
क्या नाम है सेगमेंट इतना सा आगे सेगमेंट का नाम है दिल खोल के दिल खोल के करो दिल खोल के करो और इसमें होगा क्या चलो आदि बताओ क्या इसमें मुझे लगता है जो भी चीज आएगी ना किसी चीज के बारे में सोचे बगैर बस कर देना है वाह और कोशिश करनी की ज्यादा गंद ना हो उसमें बट करना है इसमें ये है कि चिट निकालेंगे इसमें जो है वो यहाँ करना होगा बिल्कुल ये होता है पक्का व्यूअर आपकी जो रेटिंग आ रही है उसमें कुछ मेरा हिस्सा भी है हम बार बार रिफ्रेश करके देखते रहो हमारे तो टीवी भी रेटिंग अच्छी आ रही है यूट्यूब पे ट्रेंडिंग नहीं है टीवी सर हम अपना हम दोनों भी एक छोटा सा शो करते हैं ना उसको जब टीवी पे देखो 9 बजे शुरू होता है 12 बजे खत्म होता है उसमें ब्रेक ही है शो नहीं ब्रेक के दरमियान थोड़ा सा शो है इसलिए अब हम यूट्यूब पे देख लेते हैं अब ये शुरू करें जी जी क्या नाम बताया मैंने सेगमेंट का दिल खोल के कर दिल खोल के करो नहीं ये नाम है क्या नाम अरे खोलो दिल को और करो खोलो दिल खोल क्या था वो दिल खोल के कर नहीं यार अभी तो बताया इन्होंने नहीं ये 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 मैंने नहीं बोला ऐसा तो नहीं आप भी भूल जाते फिर आप हमसे पूछ रहे नहीं क्या ऐसा तो नहीं कि आपको सेगमेंट का नया नाम चाहिए सेगमेंट का नया नाम तो नहीं चाहिए आपको हमसे पूछ रहे हैं दिल खोल के करके दिखा दो दिल खोल के कर दिल खोल के बस अच्छा कर कर है ही नहीं कर 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 क्या लगाई हुई है कर है ही नहीं इसमें नहीं तो हम क्यों कर रहे थे फिर या हम कर रहे थे मुझे हो रहा है ओह अच्छा अच्छा मिठाई रखी हुई यकीनन कोई रिश्ते की बात है इसमें नहीं आपने बता दिया किस चीज की बात है अच्छा वही करना है फॉर्म करेंगे ठीक है कोई किसी दोस्त का नाम निकला उसके बारे में बताएंगे ठीक है कोई गाना निकला आया ठीक है कोई सॉन्ग निकला आया डन शुरू करें क्या चलो शुरू करें और कोई दाना निकला आया तो कैसा गुड यार आदि ऐसे में वैसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इससे पहले माशाल्लाह ने अल्लाह मियां ने आपको बड़ी इज्जत दी है आपने बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स किए सब कुछ किए हैं कभी ऐसा हुआ है कि आपको शो के बारे में ना बताया क्या शो है हुआ 100% हुआ क्या ऑब्जर्वेशन है फिर भी हमने कर लिया हमने कर लिया वाह वाह वेरी गुड अच्छा जी इस पे लिखा है अबरार उल हक परफॉर्मेंस क्या करना होगा वो कह रहे हैं अबरार उल हक साहब आएंगे वो परफॉर्म करेंगे उनके गाने पे डांस करना होगा जाहिर है अच्छा जी चले भाई अबे अली जफर का गाना क्यों लग अच्छा क्या बात है यार कमाल बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से गाना आया था अभी मेरा गरारा नहीं है वरना फिर आप आएगा सूखा गरारा ले आओ यार गरारा लाओ भाई बड़ा लाना क्या बड़ा लाना हाँ बड़े वाला जाहिर है अच्छा जाहिर है वो एक टांग वाले ने दो ले आओ दो तरफ पहनूंगा वो गरारा नहीं होता वो शरारा होता है अल्लाह क्या है नवीद रजा ओ गालियां दे दो बस हो गया नवीद रजा सिंपल हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त भाई जैसा उसका मसला ये कि वो हर वक्त गुस्से में हर वक्त ना यार मैं आपको उसका एक बहुत मजे का किस्सा सुना देता हूँ क्योंकि उस जैसी परफॉर्मेंस तो हो नहीं सकती ना वो अपने अंदर बैटमैन है हर वक्त तो हम सब एक साथ ट्रैवल कर रहे थे तो भाई उन्होंने कहा क्यों लगा ले हम क्यों में खड़े हो गए तो जा रहे थे तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला उसको रोके कि सर अपना बोर्डिंग पास हाथ में रखें तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है तो सब गुजर रहे थे बोर्डिंग पास हाथ में रखें जी बोर्डिंग पास उसको बोला बोर्डिंग पास यार मशवरा नहीं मांगा ठीक है अरे भाई मेरी क्या गलती मेरा काम है ये उसको उसको सिक्योरिटी वाले रोकते हैं अगर कभी हाँ, तो वो उससे आप चेकिंग करा दें तो वो कहते हैं अपने काम से काम रखो तो वो कहता भाई यही मेरा काम है नवीद रजा इज ऑलवेज इन अ कैरेक्टर अच्छा मैंने अभी उससे चक्कर फिल्म में काम किया यासिर नवाज की जो फिल्म है तो वो तो सेट पे बड़ा हल्ला गुल्ला मजे मस्ती तो सेट पे करता है ना वो जो बाहर कर रहा था वो यस भरम है भाई के बहुत भरम है और उसने अपनी जो उसके पास वीगो है वो उसने फनलैंड वाली बनाई हुई है ऊंची सी ना तो तो आपको तो पता है वीगो में से प्यार से नहीं उतरते वीगो से उतरना ही बदमाशी से होता है तो वो बिल्कुल करेक्टर सही कर रहा है क्या मतलब फनलैंड वाली क्या मतलब वो उसने कौन सा रंग कराया हुआ है ऑरेंज 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 रंग की वीगो ना ओहो उसको कहता है फनलैंड की टोकन वाली गाड़ी लगती है टोकन डालो और बैठे रहो क्योंकि अक्सर एक्टरों के पास काम नहीं होता तो कोई आमदनी का जरिया तो हो ना तो झूले झुलाते बच्चों को सीवीओ पे
नहीं यार, लेकिन बहुत अच्छा दोस्त, सच्चा दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त है, काश हमारा दोस्त ना। अच्छा जी, अब निकालूंगा मैं, आप देखो मुझे लग रहा अच्छा वाला निकालो यार, कोई अच्छा वाला, अच्छा वाला मैंने कोई देखी थोड़ी है कोई। अबे भाई ये क्या हो गया, मुंडा बिगड़ा जाए, ओए डांस आ गया, हर बात पे गाने ही आ रहे हैं भाई, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही, कैलोरीज बर्न हो रही है, सही है ना, करो कैलोरीज बर्न, कैलोरीज बर्न करो, क्या है यार इतना हिट गाना है, अरे बोरा चलो चलो डांस करो, अम्मा देख पीछे टेबल आराम से सुपर्ब डांसर, ये अम्मा जो एकदम से आती ना अम्मा दे आम, ये अम्मा दूर खड़ी हुई थी ना, मुझे आम ले आके याद आया था इससे, आम खाएगा आम खाएगा। यार ये बहुत ही ना डेंजरस आदमी आती इस मामले में, सिंड्रेला, ओ तुम बन के दिखाओगे, पता नहीं लॉ फ्रॉग लॉ इसका, सिंड्रेला पे डांस कैसे होगा यार, ऐसे चलाएंगे, हाँ चलाएं, अच्छा डाउनलोड कर रहे हैं, बात है। इस खुशी में मिठाई खाई, ये दोनों तो क्या कमाल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, थैंक यू जी, क्या कमाल डांस है यार, माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश है, बहुत एक्चुअली फ्रेश है यार, ओह एक्चुअली फ्रेश है, क्या बात है, वाह वाह सर, पूरा ठलना, वाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मिठाई पड़ गई, ये बड़े बड़े अरसे से इसके दिल में गम थे, हाथ लगाया तो पड़ पड़ी, अच्छा कैसा, कभी लड्डू फाड़ा है, हाँ बहुत दफा, जी जी हाँ जी, लेकिन याद आ गया, अच्छा जी सॉरी, इसमें लिखा हुआ है गुन गुन स्टाइल, गंगनम स्टाइल, वो करके दिखाना है, हाँ यार वो तो मजेदार है, अच्छा आता है ना तुम्हें, जी जी पक्की बात है, मुझे याद है जहाँ तक, एहसन भाई ने तो पीछे से देखा और अच्छा लगा होगा, क्योंकि सेट वेट नजर आते हैं ना, बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम, लाओ भाई लाओ, मथीरा ये कैसे करेगा, फ्रूट है आपके पास, मिर्चें लग रही हैं, वो विंग्स खाए हैं, मिर्चें लग रही है, वो फ्रूट ला दें, कोई तरबूज, क्या बदतमीजी है, अच्छी लग रही यार, मथीरा बहुत स्पाइसी है, मथीरा देर कैन नेवर बी अनदर मथीरा, वन एंड ओनली, इसका थोड़ा तो बन के दिखाओ, इसका बिल्कुल नहीं, ना इंसान मेहनत करे क्या क्या बन जाता है, ना मैं बन सकता हूँ ना मैं बनना चाहता हूँ,
तो अरे बन जाओ, हालात बेहतर हो जाएंगे। आज तक इंस्टॉलमेंट की गाड़ी चला रहे हैं। चलो कोई नहीं, नहीं बस नहीं नहीं मथीरा नहीं, मेरे से तो नहीं होगा। मैंने दूसरी वाली देखी है, मैं अजीब ही ना हो जाए। मैंने वो देखी शो वाली। मिठाई खा लूंगा, मिठाई खा लूंगा। हाँ मिठाई खा लो तुम। मिमिक्री हमें आती भी जरा कम ही है। गैंगनम स्टाइल हमारे साथ काफी देर तक रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 60 में ज्यादा करा लिया। अब तो मिर्चे वाला पसीना वाला। अच्छा स्पाइडरमैन ये कैसे निकाल के दिखाऊं? देख लो। नहीं ये गाना भी है स्पाइडरमैन। हम स्पाइडरमैन गाना भी है। ओह यस, ये इस स्पाइडरमैन है वो। यस अच्छा चलो, मैंने सुना नहीं है। अरे तुमने सुना है? अच्छा तुमने सुना है, तुम्हें अक्सर मैंने गुनगुनाते हुए सुना। ये रहा कर 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 करो ना। क्या करूं इसमें मैं? एक मिनट, मुझे ना इसमें जो स्पाइडर मैन है उससे नहीं हो रहा, तुझसे कहां से होगा? मुझे मोजा लागे ने पहले मुंह पे पहनो। उसका एटीट्यूड तुझे करो ये, अगर आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तो स्पाइडरमैन ऐसा हो जाएगा। तो वाह भाई, बहुत ही बुरा स्पाइडरमैन था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फैसल कुरैशी। ओ चलो बन के दिखाओ। फैसल कुरैशी बनूंगा ऐसे यार? नहीं बन सकता मैं भाई, मतलब। चलो पहले मुहाफिज जाओ। फैसल कुरैशी कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? मेहनत से बनेंगे, जज्बे से बनेंगे। हाँ तो मेहनत से हो सकता है ना, उतनी की नहीं अभी हमने मेहनत। फैसल की कोई बात बता दो। हाँ वो बता दो जो जायज भाई करके दिखाते हैं, हाथ रखने वाला। कौन सा वाला? वो फैसल भाई का कुछ बता देना, हाथ रख के यूं फैसल भाई करते थे कुछ। नहीं नहीं यार, वो एजाज भाई को ही आता है, मुझे नहीं आता। और उतनी दोस्ती एजाज भाई वाली फैसल, वो फैसल भाई का वो करते हैं। फैसल भाई जब कोई ज्यादा मजा ना आ रहा हो ना उनको, वो मूछे घुमाने लगते हैं। नहीं वो, हाँ वो सो जाते ना ये ड्यूरिंग द शो, आप उनको नोट करें। इसका मतलब है कि अभी उनका दिमाग कहीं और, उनको ज्यादा शो में नहीं है। इसका मतलब है, इसका ये मतलब ये वाला सीन उनका। ओके जो अब वो आइंदा नहीं करेंगे मेरे ख्याल से, उनको पता चल गया हमने पोल खोल दिया। नहीं उनको पता है, वो बेध्यानी में करते हैं। चलो अच्छा जी, अब हम यार मिठाई बहुत ही अच्छी है यार, बिल्कुल अच्छी है, और खाऊंगा। ये क्या आ गई भाई? यार बादशाह दिलदार। ओहो ये क्या? ये भी कोई गाना है यार। ये सारे गाने तुम्हारे पास क्यों जा रहे हैं? ये क्या चक्कर है यार? तुम कर लो यार ये वाला प्लीज। नहीं साथ करेंगे चलो। है क्या? साथ देना उसको। ओए अच्छा ये वाला यार चेक किया तुमने? हाँ तुमने चेक नहीं किया वाला है? ये वाला जो क्या करूं, ये वाला। हाँ अच्छा वाह, खड़े रहे। चलो भाई सेकंड लास्ट। क्यों आ रहे हैं मेरे पास लोग? क्या आ रहे हैं? हाँ चेंज करो, गाना चाहिए इसको, गाना चाहिए। अब मुझे गाना चाहिए। बिजली भरी है मेरे अंग अंग। देख लो जोर से निकाल। चलाओ मैं बन जाता हूँ बिजली वाला। तुमने वाली फिल्म नहीं देखी? मैं आया हूँ बिजली वाला कुंडा लगाने। मैंने देखी है, वो नहीं करनी। तो ये क्या हुआ? अगर तुम शर्ट का एक बटन और खोल लेते तो और हिट हो जाता है। हवा लगती है ना, दिमाग काम करता। जी 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 उफ। निदा यासिर बनना है। सब खामोश हो गए ना। तो निदा यासिर कैसे बनूं? पता नहीं, पहले तो यासिर नवाज से शादी करनी पड़ेगी। कैरेक्टर तो ऐसे ही बनता है यार। तुम कुछ और निकालो यार, बुरी बात है। हाँ वो कैसे बने? अच्छा हमारे मिमिक्स हमसे होती ही नहीं है। हाँ आती ही नहीं हमें। इंसान किसी इंसान की कोई अच्छी बात भी बता, तारीफ भी हो सकती है। निदा यासिर की अच्छी बात यह है कि वो अभी तक का सबसे ज्यादा रेटिंग वाला मॉर्निंग शो कर रही है।
और उन्होंने उसको पकड़ के रखा है। और कब से कर रही हैं? बहुत मुश्किल काम है। और एक और, हाँ बोलो बोलो। और आज तक कभी उस शो पे ऐसा नहीं लगा कि उनका आज दिल नहीं चाह रहा, है ना? वो पूरे दिल और एनर्जी से करती है। एवरी डे एनर्जी एंड पैशन। क्योंकि वो कभी भी ऐसे नहीं करती शो पे। बिल्कुल। भाई कोई बंदा ना निकला यार। बंदा निकला है। क्या वो क्या हुआ भाई? गाना चाहिए हमें जवेरिया। तुम ऐसी को बोल दो, बजा देंगे ये लोग। तरसता है ये दिल मेरे लिए, है? ये कौन सा गाना है? तो पैदाइश से पुराने गाने आ रहे हैं ये। मुनीजा के बचपन के गाने लग गए। मुनीजा कौन सा गाना है? अभी चलेगा ना? लगाओ भाई, कोई तेज लगा दो यार। ये तो ये रहा। उई वाह, नहीं सुना मैंने, किसी ने सुना हो? नहीं भाई, मैं अच्छे घर से हूँ भाई। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ मैं अच्छे घर से हूँ, ये कुछ मैं नहीं कर सकता जहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा गाना है यार। हाँ अच्छा गाना है, लेकिन चलता है। हाँ मैं चलाता हूँ, अब दो रहेगा ठीक है? फिर जो एक तुम्हारा एक मेरा लाओ, पहले मैं देखूँ कौन सा तुम्हें देना है ना। सॉरी। ओ ये तुम कर लो, ये मैं कर लूँ ठीक है? वो तुम्हारे बड़े। वेरी सॉरी मैं नहीं करना प्यार, ये भी कोई गाना है? हाँ होगा। और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास है वकार जका। ओहो तो तुम तो लाइव चले जाओ, तो संभाल के रख लिया। तुम लाइव चले जाओ, लाइव चले आते हैं शर्ट उतार के। मेरे ख्याल से हम दोनों ये कर लेंगे। आपने देखा वकार जका को 10 बजे के बाद? नहीं। आधा मुंह और यहाँ से यहाँ तक नजर आता है, लेटा होता है। सुनो बच्चियों को किसको क्या पसंद है, जिसको डेट मारनी आ जाओ 10:30 बजे सीवी पे। ये कोई मसला है उनके स्नैपचैट को। चलो यार ये करते ना, वेरी सॉरी करो तो नहीं करना। हाँ तो भाई लगाएंगे तो करो, लगाओ भाई। वेरी सॉरी। हाँ ओहो यार दोबारा शुरू से जमाट में मारूंगा मैं। मेरा है ये, मेरा है। शुरू से प्लीज, तुम घूमते रहो। उल्टी कर दे क्या? सस्ती फिल्म। ये थी सस्ती फिल्म, उल्टा गिर गया। नहीं हमारे तो ज्यादा हो गए पैसे पूरे नहीं हुए। उधार कर लिए। अगले शो का सिर्फ चेक आने चाहिए, हम नहीं आएंगे गाने के साथ। अगले शो हमें, हम आएंगे नहीं, सिर्फ चेक आएगा। हमने कर दिया वहां तक का। मैं हर गाने के साथ डांस कर रहा था। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों का थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। Honestly, I was not expecting anything, because मुझे मालूम नहीं था आप लोगों से इतनी दोस्ती और इंटरेक्शन नहीं है। तो मैंने कहा यार पता नहीं शो कैसा होगा, लेकिन आई मस्ट से कि मेरे जितने भी शोज उनमें से एक बेहतरीन शो ये जिसको मैंने खुद बहुत एंजॉय। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग अस। बात ये कि यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, लेकिन माई आंटी इज एक्सपेक्टिंग, उनके लिए दुआ जरूर करेगा। मैंने कहा वो भी करा ले। लगे हाथ तो ये भी हो गया। बिस्मिल्लाह करें। But lot of luck to both of you. Thank you जी। खुश रहें और इसी तरह खुशियां बिखेरते रहें। इंशाल्लाह। और अपना जो भी काम करें फ्यूचर में वो बहुत सक्सेसफुल हो। इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू। इंशाल्लाह। एंड एसएम भाई थैंक यू सो मच। क्या हो रहा है? इतने में पॉजिटिव ना हो बस, उतना कर रहे हैं। नहीं नहीं इसमें नहीं, लेकिन एसएम भाई वाकई में थैंक यू सो मच। हम आपसे बहुत प्यार वैसे भी करते थे, और जब आज हमने शो किया तो जाहिर सी बात है हमें पता लग गया कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही अच्छे कैमरे के ऊपर जैसे आप लगते हैं, असली में आप उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको बहुत मेहरबानी कि आपने हम दोनों को एज अ गेस्ट बुलाया, और इंशाल्लाह जब अगले सीज़न में हमारा बजट बढ़ जाएगा तो आपको भी बुलाएंगे। तो जी मैं बस मुझे वहाँ से इतनी बार कॉल आई तो वो कोई जी जी बस थैंक यू फॉर हैविंग अस। मैं तो ये शो बहुत शौक से देखता हूँ। Always wanted to be a part of it, and I'm I really enjoyed it. Thoroughly enjoyed. I'm glad. I'm glad. Thank you so much, both of you. आइए जी, आइए यहाँ पे आइए ना। आइए, आइए जी। ये, yeah. अच्छा यार सब लोगों से ये कहूँगा कि ये शो बहुत ही जबरदस्त हुआ। मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। I want to know, did you guys enjoy the show? Next week आपसे मुलाकात होगी और सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। Keep watching Time Out with SN Khan.